मदर टेरेसा, जिनका नाम सुनते ही ह्यूमैनिटी का ख्याल आता है और लाखों लोगों का दिल जीतने वाली ये मदर टेरेसा, क्या आप लोग जानते हैं कि लाखों लोगों की मौत की वजह क्या थी? जी हाँ, इनफैक्ट उन्हीं की निगरानी में, उन्हीं की ऑर्फनेज में बच्चों को घंटों घंटों तक रस्सियों से बांधा जाता था। और बस इतना ही नहीं, उन्हीं के हॉस्पिटल्स में रीयूज सिरिंजेस का यूज किया जाता था और एक्सपायर्ड मेडिसिन पिलाई जाती थी। तो क्या यहाँ पर पैसों की कमी थी? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि उनके मरने के बाद उनका नेटवर्क जो पता चला वो 750 लाख करोड़ रुपीज था। तो इतने पैसे होने के बाद भी गरीबों की इस मसीहा बनी औरत ने गरीबी आखिर क्यों नहीं हटाई? क्या उसने सारे के सारे पैसे अपने ऐशो आराम में ही लगा दिए थे? इसे जानने के लिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मिस्ट्रीलियस वीडियो। पहले तो हम लोग थोड़ा सा रिवर्स में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हिस्ट्री मदर टेरेसा के बारे में आखिर कहती क्या है। मदर टेरेसा गरीब लोगों की हिफाजत करने वाली, पीस एंड लव की एडवोकेट नन, यही सब कुछ हमारे जहन में आता है ना। और इन सब की वजह से उन्हें तो नोबेल पीस प्राइज ही मिल चुका है ना, जो कि कलकत्ता में दिया गया था। लेकिन एक मिनट, मदर टेरेसा को देखें तो वो तो यूरोप की अल्बेनिया कंट्री से बिलोंग करती थी। 19 ईयर्स की उम्र तक वहीं रही और फिर 1929 तक यहाँ पर पहुँचे। 2 साल बाद वो एक चर्च की नन और कलकत्ता से सेंट मैरी हाई स्कूल में पढ़ाने लगी और उसी दौरान उन्हें इंडियन की गरीबी दिखी। गरीबी देख के उनसे रहा नहीं किया और उसे चेंज करने की ठान ली। और फिर क्या था, 1950 में उन्होंने खुद कमीशन रीज ऑफ चैरिटी के नाम से क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दी, जिसका मकसद था टू लव एंड केयर फॉर दोज पर्संस नोबडी प्रिपेयर टू लुक आफ्टर। और इसी मकसद की वजह से उन्होंने बहुत ही जल्द बहुत सा नाम बना लिया और इसके चलते दुनिया भर में सिर्फ इन्हीं का नाम मशहूर हुआ। इतनी मशहूर कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस हर जगह पर खुलने लगे। अलावा मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स के नाम से भी बुलाया जाता था, क्योंकि उन्होंने बीमार और आखिरी सांस ले रहे लोगों के लिए काली घाट जो बनाया था ताकि वो पीसफुली मर सके। अब हर वक्त मुस्कुराते रहने वाली ये केयरिंग सी मदर टेरेसा की सारी हिस्ट्री क्या सही थी? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि उनका असली चेहरा तो शायद कुछ और ही था। अब सवाल ये उठता है कि क्या था उनका असली चेहरा और उसका पर्दा आखिर फाश किसने किया? तो हम आपको बताते चले कि उनका पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों ने किया था। अब उन लोगों का ये कहना था कि मदर टेरेसा बस दुनिया को दिखाने के लिए गरीबों की मदद करे, मगर असल में वो उनकी मदद नहीं करती थी। इनफैक्ट वो तो लाखों गरीबों की मौत की वजह बनी। और इस स्टेटमेंट की आई विटनेस है उनके अपने मिशनरी चर्च के वॉलंटियर डॉक्टर आरोप चैटर्जी। आरोप चैटर्जी जो कि यूके में स्टडीज कंप्लीट कर रहे थे, उन्होंने पहले सोचा कि क्यों ना कलकत्ता के गरीब रीजन्स में जाके वॉलंटरी ट्रीटमेंट किया जाए। अब जब वो सड़कों पर गिरे लोगों को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि उसी दौरान उनको कोई भी मिशनरी ऑफ चैरिटीज की नंस नहीं दिखी, जिसके बाद उन्हें डाउट हुआ और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा। अब इन्वेस्टिगेट करते हुए उन्होंने जो कुछ भी देखा उसको देखने के बाद वो एक पल भी वहां रह नहीं सके और अपना ही सारा का सारा सामान उठाकर यूके रवाना हो गए। लेकिन जब वो यूके पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे मदर टेरेसा को बहुत ज्यादा माना जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों की आंखों पर से पट्टी उतारी जाए। और उसके अगले ही दिन उन्होंने जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचिंस को सब कुछ बता दिया। क्रिस्टोफर वो ही जिन्होंने हेल्स एंजल्स के नाम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिनको आज तक मदर टेरेसा का सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता है। उसी डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद बहुत सारे लोगों का मदर टेरेसा को देखने का अंदाज ही बदल गया था, क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से मिशनरीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी जो लोगों के सामने तो नहीं आ रही थी, लेकिन मदर टेरेसा की आंखों के सामने जरूर हो रही थी। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वहाँ पर एक ही निडल को बार बार यूज किया जा रहा था। ठंडे पानी से धो के उसी निडल को दोबारा से दूसरे पेशेंट में यूज किया जा रहा था। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वहाँ पर बहुत सारे HIV पेशेंट्स थे। और दुख की बात तो ये है कि वहाँ पर पेशेंट चाहे कितनी भी सीरियस कंडीशन में क्यों ना हो, उसको सिर्फ एस्पिरिन दे दी जाती थी, क्योंकि हॉस्पिटल के सारे ही डॉक्टर्स और नर्सेस कभी मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी हुई ही नहीं थी। अब जब ये सारा का सारा इशू जनरल जॉन मैकटायर को पता चला, तो वो डॉक्टर का भेस बदल कर वहाँ पे पहुंच गए और तब उन्हें ये पता चला कि ये सारी की सारी खबरें सच्ची थी। वहाँ पर किसी का भी मेडिकल क्वालिफिकेशन चेक नहीं हुआ था और इन सब के साथ साथ वहाँ पर चाइल्ड अब्यूज भी हो रहा था। डॉनल ने बताया कि मिशनरीज में मेंटल बच्चों को कपड़े से बांध कर सारा सारा दिन रखा जाता था। और इन सब के अलावा वहाँ पे कोई सैनिटाइजिंग सिस्टम तो था ही नहीं। सैनिटाइजिंग सिस्टम तो दूर की बात है, वहाँ पर नॉर्मली बेसिक बेड ही नहीं था। वहाँ पे गर्म पानी से नहाने का
सिस्टम भी नहीं था, चाहे पेशेंट की कितनी भी बुरी हालत क्यों ना हो। अब ये सब कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि मदर टेरेसा को पैसों की तो कमी थी नहीं, तो अब ये तो पता चल गया कि पैसा तो आ रहा था, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा था। चलो पैसे कहीं भी आ रहे थे कहीं भी जा रहे थे वो तो छोटा मसला है, बड़ा मसला तो ये है कि मदर टेरेसा जो कि हमेशा से ही गरीबों की साथी बनी, जिसे प्यार और पूरी जिंदगी गरीबों की कुर्बानी में गुजार दी, आखिर उसने सारे पैसे क्यों चैरिटी में नहीं लगाए? अगर वो चैरिटी में सारे पैसे लगा देती तो क्या गरीबी नहीं हटती? अब यही तो असल बात है, अगर वो तमाम पैसे चैरिटी में लगा देती तो गरीबी तो हट जाती और फिर उसकी इमेज का क्या होता? यानी कि जितनी जरूरत गरीबों को मदर टेरेसा की थी, उससे ज्यादा मदर टेरेसा को गरीबों की जरूरत थी अपना नाम बनाने के लिए, या असल में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए। हिचिन्स और एरोप के अलावा काफी सारे ऐसे रिपोर्टर्स भी सामने आए हैं जो कि ये कहते हैं कि मिशन के सिस्टर्स और नंस मरे हुए बच्चों या फिर मरने वाले लोगों को टिकट टू हेवन के नाम पर उन्हें बैप्टाइज्ड, यानी कि बिना उनकी मर्जी जाने उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देती। और इन सब के अलावा अगर पैसों की बात करें तो वो इजीली ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स में वो ट्रांसफर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा भी नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से गरीबी तो जीसस क्राइस्ट को बहुत ज्यादा पसंद है और सफरिंग से ही दुनिया का भला होगा। यही वजह थी कि मदर टेरेसा रोटी कपड़ा मकान के अलावा कोई भी फैसिलिटी जैसे कि हीटर, गर्म पानी, मेडिसिन नहीं देती थी, ताकि वो सफर कर करके मर जाए। लेकिन एक मिनट, जब वो खुद बीमार हुई थी तो अपने इलाज के लिए वो यूएस के टॉप हॉस्पिटल में क्यों गई थी? ये तो थोड़ा ज्यादा होता। दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, इसीलिए सब कुछ जाने बगैर हमें किसी को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए।